बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट द कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में भी द सेम सिचुएशन है विद द डिफरेंट क्वेश्चन। देर आर 4 पार्ट्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ जी ऑफ एक्स इज गिवन, एच ऑफ एक्स इज गिवन, फाइंड दी वैल्यू कंपोजिट फंक्शन जी कंपोजिट एच, एच कंपोजिट जी, जी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। तो आइए हम पहला पार्ट शेयर करते हैं आपसे, जी कंपोजिट एच, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं, जी कंपोजिट एच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सो दिस इज हेयर जी एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। अब जी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इन द रेडिकल। तो हम इसकी जगह जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां एक्स क्यूब माइनस वन पुट कर देते हैं इन द रेडिकल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एंड वट इज एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करते ताकि आपको बात समझ में आ जाए, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी बी स्क्वायर प्लस थ्री अपनी जगह रहेगा। सो दिस इज हेयर x पावर 6, ये हो गया आपके पास 2 2 4 एक्स क्यूब, एंड दिस इज 4 प्लस 3 7 इन द रेडिकल। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन g ऑफ एच इज द आंसर। तो अब आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, एच ऑफ जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एच ऑफ जी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सो दिस इज एच। अब जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन क्या है, एच। अब एच के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह जो ये आपको दिया हुआ है। तो एच ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस टू। तो दैट इज एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, दिस इज रिमेन सेम, या आप चाहें तो इसका एक और स्टेप कर सकते हैं। रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है, एंड दिस इज 3 1 3 पावर के ऊपर पावर आ जाए, डबल पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड दिस इज एच ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं, जी कंपोजिट जी विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ जी एक्स। तो अब जी एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जी के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां हमने ये पुट कर देना है। तो फंक्शन जी क्या है, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। सो दिस इज स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इन द रेडिकल। सो दिस इज द जी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इसमें, अगले पार्ट में चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर द सेम सिचुएशन हियर, दैट इज एच कंपोजिट एच, एंड विच कैन बी रिटन एच ऑफ एक्स। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया एच ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स क्यू माइनस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एच के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है, और वो क्या है, एक्स क्यू माइनस टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब चाहे तो क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, ए क्यूब ए माइनस बी टू द होल क्यूब का आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे करके, ए माइनस बी टू द होल क्यूब इट इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर सॉरी माइनस बी क्यूब, दिस इज माइनस। तो ए का मतलब एक्स क्यूब, बी का मतलब टू, तो फार्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब माइनस टू अपनी जगह रहेगा। अब ए का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब ए स्क्वेयर बी, बी का मतलब टू, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अब आप देख रहे हैं पावर क्यूब पर पावर आए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स और एक्स की पावर सिक्स, ये हो गया आपका थ्री, ये टू का स्क्वायर फोर हो गया और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, एक्स क्यूब हो गया। माइनस टू पावर थ्री मीन्स एट और माइनस टू अपनी जगह रहेगा एंड दिस इज द आंसर हियर, सिक्स एक्स क्यूब सिक्स प्लस ट्वेल्व एक्स क्यूब एंड माइनस टेन, दिस इज दी एच स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ द एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।